नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए थे और ऐसे में कल उनका जो बता दें कि राजधानी पटना में एक बड़ा कार्यक्रम होने रहा है, ऐसे में लेकर बता दें कि अभी हम पटना के बीरचंद पटेल पर स्थित हैं और उनके कार्यालय है इस तरफ राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय और उसके बाहर जो सड़क है उस सड़क किनारे आपको तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से पोस्टलों को से पूरा पटना को पाट दिया गया है। तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख रहे होंगे जितना भी पोस्टल आपको नज़र आ रहा होगा सारे राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ उनके सहयोगी दल हैं उन दलों का यहाँ पे पोस्टल नज़र आ रहे हैं जिसमें सिर्फ तेजस्वी यादव को लेकर पूरी तरीके से हुंकार भरते नज़र आ रहे हैं कि कल जो रैली होने वाला उस रैली में कही जाए तो गांधी मैदान भी कम पड़ जाएगा इतनी भीड़ पहुँचेगी। लगातार बिहार में बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था, बजट सत्र के दौरान भी जो बात कर लिया तमाम विधायक दावे कर रहे थे और ऐसे में राजधानी पटना का यह तस्वीर है, ये तस्वीर आपको और आगे की तस्वीर दिखाएंगे। जितना भी जगह आपको नज़र जा रहा होगा तमाम जगह जो है सिर्फ पोस्टल ही पोस्टल लगे हुए हैं, ऊपर में जो जितने भी जो डिवाइडर है डिवाइडर के ऊपर में जितने भी लाइट ऊपर में देख रहे होंगे जो राष्ट्रीय जनता दल का जो झंडा है वो झंडा ही सिर्फ दिख रहा है आपको। तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख रहे हैं पटना के बीरचंद पटेल का हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और बीरचंद पटेल ही नहीं तमाम जो ऐसे जगह हैं जगह पे इस तरीके का पोस्टर लगे हुए हैं सिर्फ उसमें तेजस्वी को एक कही जाए कि एक बड़े जो तस्वीर दिया गया है तेजस्वी यादव का साथ ही साथ जो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हैं उनके और ऐसे में जो कल रैली होने वाले हैं महागठबंधन की तरफ से दावा किया गया कि जो गांधी मैदान है गांधी मैदान भी कम पड़ जाएगा, लेकिन देखना होगा कि कल की रैली में जो तमाम जो नेता दावा कर रहे हैं चाहे कांग्रेस को हो चाहे सीपीआई के हो चाहे आरजेडी के हो, आरजेडी वाले पूर्ण तरीके से जो कही जाए तो आरजेडी वाले पूरे रैली को लेकर लगे हुए आए। इस रैली में सिर्फ जो कही जाए तो पोस्टलों जो लगा हुआ है सिर्फ उसमें राष्ट्रीय जनता दल के ही नेताओं का ये रैली भी स्वाभाविक है कि रैली उनके द्वारा ही निकाला गया था, लेकिन जो इंडिया गठबंधन के जो तमाम जो नेता चाहे राहुल गांधी हो मल्लिकार्जुन खड़गे हों ऐसे जो तमाम नेता उनके भी आने की सूचना है और आएंगे वो गांधी मैदान में। देखना वो कल जब रैली संबोधित हो तो उसके बाद क्या घोषणा होती है। जिस तरीके से बिहार में जो इन दिनों जो तरीके से जो लगे हुए कि तमाम जो विपक्ष के विधायक हैं वो सत्ता पक्ष की ओर जा रहे हैं और ऐसे में जो अभी तक जो कही गया तो सात विधायक पाला बदल चुके हैं और आने वाले समय में और भी विधायक की पाला बदलने की संभावना। जिस तरीके से कांग्रेस के MLA हैं नीतू सिंह उन्होंने कहा कि हमको नवादा से बीजेपी अगर टिकट देगी लोकसभा को तो हम भी अपना मन बनाएंगे, यानी साफ तौर पर देखना होगा बीजेपी को भी वो मन टटोलने में लगी हुई है कि बीजेपी अगर हमको देती है वहाँ से तो हम भी जो है कांग्रेस से के दामन छोड़कर बीजेपी की ओर रुख कर सकते हैं, लेकिन देखना हो कल की रैली में क्या कुछ होता है। पटना से न्यूज़ बास्को के लिए विवेक रंजन।